हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अमित तिवारी योर इंग्लिश टीचर। स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडिंग द थर्ड चैप्टर ऑफ फर्स्ट फ्लाइट बुक, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, विच इज़ अ सेट ऑफ टू स्टोरीज लाइक हिज फर्स्ट फ्लाइट रिटन बाय लियाम ओ फ्लाहर्टी एंड द सेकेंड स्टोरी ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉर्सेथ। स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड फर्स्ट story like his first flight, and in today's video lecture we will study the second story, that is Black Aeroplane. So let us start. The Black Aeroplane. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. इस स्टोरी में एक पायलट है जो कि बता रहा है कि जब उसने उड़ान भरी तो उस समय जो मून था वो स्काई में राइज कर रहा था इस डायरेक्शन से, जो कि पायलट के ठीक पीछे था। इट मीन्स कि पायलट वेस्ट डायरेक्शन में अपने प्लेन को उड़ा रहा था, और वो ये भी बता रहा है कि आसमान जो था वो बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल भी बादल नहीं थे और स्टार्स जो है चमक रहे थे। और वो सोते हुए शहर के ऊपर से उड़ते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज ड्रीमिंग of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. बता रहा है कि वो इंग्लैंड लौटते समय अपने पुराने डेकोटा एरोप्लेन को फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. वो अपने छुट्टियों के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली से जल्दी ही मिलने वाला है। आई लुक्ड एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग। जब उसने अपनी घड़ी को देखा तो घड़ी में 1:30 टाइम शो कर रहा था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब टाइम देख के जो पायलट है उसको ये लगा कि अब उसे पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करना चाहिए, और जैसे ही उसने अपने एरोप्लेन के ठीक आगे की तरफ देखा तो उसने क्या देखा कि सिटी में लाइट्स जो हैं जल रही हैं, यानी कि वो पेरिस की तरफ उड़ान भर रहा है या पेरिस पहुंचने वाला है। आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन द वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो अब पायलट क्या कह रहा है कि मैंने अपने रेडियो को स्विच ऑन किया और एक मैसेज दिया पेरिस कंट्रोल रूम को कि पेरिस कंट्रोल रूम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, ये डकोटा DS-088 है। डकोटा DS-088 ये उसके प्लेन का कोड नेम है। तो वो पेरिस कंट्रोल रूम में पूछता है कि क्या वो उन्हें सुन सकते हैं, तो और वो ये भी बताता है कि मैं इंग्लैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, ओवर। तो जब भी हम रेडियो पे कोई मैसेज देते हैं, अपना मैसेज कंप्लीट करने के बाद ओवर बोलते हैं, इससे सामने वाले को ये पता चल जाता है कि मैसेज कंप्लीट हो गया है, अब सामने वाला बोल सकता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, DS-088, आई कैन हियर यू, यू ऑट टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, DS-088, ओवर। उधर से जवाब आता है कि DS-088, हम तुम्हें सुन सकते हैं, अब तुम्हें तुरंत ही 12 degrees वेस्ट की तरफ मुड़ना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 degrees वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। मैंने अपने कंपास को और मैप को चेक किया और अपने दूसरे और लास्ट फ्यूल टैंक को स्विच ऑन कर दिया, और 12 degrees वेस्ट जो कि इंग्लैंड की तरफ मैं मुड़ चला। I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast
एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। अब अपने घर पहुंचने के बारे में पायलट जो है सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि सुबह सुबह वो पहुंचेगा तो उसे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट मिलेगा। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, स्टॉर्म क्लाउड्स। दे वर ह्यूज, दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। अब पायलट ये कह रहा है कि वो पेरिस से तकरीबन 150 किलोमीटर आगे उड़ चला है, तभी उसे आसमान में स्टॉर्मी क्लाउड्स दिखाई देते हैं। वो कह रहा है कि वो क्लाउड्स इतने ह्यूज हैं कि उनको देख के ऐसा लगता है कि काले रंग का एक माउंटेन उनके सामने इस आसमान में खड़ा है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब जो पायलट है, जो कि नैरेटर भी है, वो ये सोच रहा है कि वो बादलों के किनारे से होता हुआ या बादलों के ऊपर से होता हुआ तो बिल्कुल उड़ नहीं सकता, और वो स्टॉर्म के अंदर से भी होके नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास एक तो फ्यूल कम है और स्टॉर्म के अंदर से होते हुए जाने में खतरा है। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। नैरेटर सोचता है कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे घर जाना है और वो ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि वो घर जाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान सा है। आई विल टेक दैट रिस्क आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। अब पायलट जो है रिस्क लेने को तैयार है और वो स्टॉर्म में सीधा अपने प्लेन को घुसा देता है। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब बादलों के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, चारों तरफ अंधेरा है और उसका जो प्लेन है वो ऊपर नीचे जंप कर रहा है, ट्विस्ट कर रहा है क्योंकि स्टॉर्म में हवा बहुत तेज है। आई लुक्ड एट द कंपास, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैंने जब अपने कंपास को देखा तो मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो है गोल गोल घूम रहा था। इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, आई ट्राइड द रेडियो। अब कंपास खराब हो चुका था, अब कंपास बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है और उसके साथ ही बाकी और भी इंस्ट्रूमेंट्स धीरे धीरे खराब हो गए। तब उसने रेडियो को ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, मैसेज देता है पेरिस कंट्रोल को कि क्या वो उन्हें सुन रहे हैं। देर वॉज नो आंसर, उधर से कोई जवाब नहीं आता है। द रेडियो वॉज डेड टू, अब रेडियो भी खराब हो चुका है। आई हैड नो रेडियो नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब पायलट कह रहा है कि मेरे पास कंपास भी नहीं है, रेडियो भी नहीं है, सब खराब हो चुका है और मैं कुछ देख भी नहीं पा रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं स्टॉर्म में कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, लगभग मैं स्टॉर्म में खो चुका हूँ। देन इन द ब्लैक क्लाउड क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, तभी पायलट को अपने ठीक नज़दीक काले घने बादलों के बीच में एक और प्लेन दिखाई देता है जो ठीक उसके नज़दीक ही है। आई सॉ अनदर एरोप्लेन, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट्स फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। और इस प्लेन के विंग्स में लाइट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी पायलट उस प्लेन को अपने नज़दीक उड़ता हुआ देख सकता है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और पायलट ये भी देख रहा है कि उस अनजान से, उस स्ट्रेंज से प्लेन का पायलट इसकी तरफ देख रहा है। टर्न टुवर्ड्स मी, इट वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव। और इस तरीके से पायलट को देख के बहुत खुशी होती है कि चलो कोई और भी इंसान हवाई जहाज उड़ाते हुए मेरे साथ ही जा रहा है। तब उस स्ट्रेंज प्लेन के पायलट ने अपने हाथ को उठाया और हिलाते हुए लगभग ये कहा कि फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, ऐसा लगा कि वो ये कह रहा हो कि मेरे पीछे पीछे आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ इसीलिए वो मेरी सहायता करना चाहता था। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने बहुत धीरे से अपने प्लेन को नॉर्थ की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो, मेरे डकोटा के ठीक सामने से उसने अपने प्लेन को नॉर्थ की डायरेक्शन में घुमाया ताकि मैं उसको फॉलो कर सकूँ और देख सकूँ। इट वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और एक बिल्कुल ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस स्ट्रेंज प्लेन के पीछे पीछे जाने में डकोटा प्लेन के पायलट को बहुत अच्छा लग रहा था।
After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो स्ट्रेंज एरोप्लेन अभी भी बादलों में उसके ठीक सामने उड़ रहा था. Now, there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब डकोटा प्लेन के लास्ट और फाइनल टैंक में सिर्फ इतना ही फ्यूल बच गया था कि वो 5 से 10 मिनट और उड़ान भर सकता था. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. तो अब जो पायलट है वो काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था. उसे ऐसा लगा कि अब जल्दी प्लेन को लैंड करना होगा. लेकिन तभी वो क्या देखता है कि सामने वाला प्लेन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है और डकोटा प्लेन का पायलट भी उसको फॉलो करता है. Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of light in front of me. और तभी डकोटा का जो पायलट है वो देखता है कि बादलों के बीच से जो है दो स्ट्रेट लाइंस दिखाई दे रही हैं और उनके ऊपर लाइट चल रहा है. इट वॉज अ रनवे एन एयरपोर्ट. वो एक रनवे था, एयरपोर्ट का रनवे था. आई वॉज सेफ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी. तो जब उसने रनवे को देखा तो उसे लगा कि अब वो सेफली लैंड कर जाएगा और अपने स्ट्रेंज प्लेन के पायलट को थैंक्स बोलने के लिए उसे वो ढूंढने लगा. देयर वॉज नथिंग देयर. लेकिन आसमान में कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. ब्लैक एरोप्लेन जो है जा चुका था और डकोटा का जो पायलट है उसे कहीं नहीं देख पा रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर. आई वेंट एंड आस्क अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. अब डकोटा का जो पायलट है वो कंट्रोल रूम में जाता है. वहाँ पे एक औरत है, उसे पूछता है कि वो कहाँ है और दूसरे प्लेन में कौन पायलट था. आई वॉन्ट टू से थैंक यू. मैं थैंक यू भी बोलना चाहता था. सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लॉ. उसने मेरी तरफ बहुत ही अजीब तरीके से देखा और हंस पड़ी. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म. दूसरा एरोप्लेन तूफान में. नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टू नाइट. कोई भी दूसरा प्लेन आज रात नहीं उड़ा. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार. सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन था जिसको कि मैं अपने रडार पे देख सकती थी. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन द टैंक. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स. तो अब नैरेटर है जो कि पायलट है डकोटा प्लेन का, वो अब ये नहीं समझ पा रहा है कि बिना कंपास के, बिना रेडियो के और बिना सफिशियंट फ्यूल के वो किस तरीके से सेफली जो है अपने प्लेन को उड़ा सका और वो कौन था जो कि इस तूफान में उसकी मदद कर रहा था. सो स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी कम्स टू एंड. हैव अ गुड डे.